नमस्ते दोस्तों। पाठशाला में पढ़ रहे सभी छात्रों का एक ही सपना होता है, परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो सब मस्ती में झूम उठेंगे। आज हम यही विषय लेकर निबंध लिखने वाले हैं, परीक्षा नहीं होगी तो। पिछले वीडियो में हमने कोरोना और कोरोना आपत्ति काल में मेरे अनुभव, इन विषयों पर निबंध लिखे हैं। कोरोना की वजह से इस साल सचमुच में परीक्षा नहीं हुई, तो आपको कैसा लगा? आज के सातवें निबंध में इसी विषय पर हम निबंध लिखते हैं। निबंध का नाम है परीक्षा नहीं होगी तो। पाठशाला में हर वक्त एक निबंध का विषय लिखने के लिए दिया जाता था, वह था परीक्षा नहीं होगी तो। लेकिन इस बार कोरोना आपत्ति के कारण सच में परीक्षा नहीं ली गई, परीक्षा रद्द हो गई। उस वक्त लिखे हुए विचार आज सच हो गए थे, क्योंकि परीक्षा नाम का टेंशन नहीं था। हम बच्चे हमारे बचपन का, जीवन का आनंद ले रहे हैं। ज़्यादातर हम जैसे बच्चों की पढ़ाई परीक्षा के विश्व के आसपास ही घूमती रहती है। इस कारण नहीं चाहिए परीक्षा, इस वाक्य ने हमें परीक्षा से छुटकारा दिलाया है। अब जून महीना आ गया, परंतु कोरोना की वजह से पाठशाला बंद ही है। पढ़ाई का मूल्यमापन करने का एकमेव प्रमुख साधन परीक्षा, वही न होगी तो क्या होगा? इस विचार से मन में अनेक बातें घूमने लगी। भारत की शिक्षा पद्धति में परीक्षा यही मूल्यमापन का साधन है। क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसकी जानकारी मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मूल्यमापन के लिए परीक्षा को दूसरा पर्याय भी तो नहीं है। छोटे बच्चों का तो सातत्यपूर्ण मूल्यमापन किया जाता है, पर बड़े बच्चों का और उच्च दर्जा की पढ़ाई का तो परीक्षा यही मूल्यमापन का साधन है। परीक्षा न होने के कारण शिक्षा क्षेत्र में तहलका मच जाएगा। बच्चों में पढ़ाई क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य ही नहीं रहेंगे। अंक पाने के लिए ही सही हम पढ़ाई तो करते हैं, इस कारण परीक्षा होनी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को पढ़ने के बाद कितना समझ में आया है, कैसे पता चलेगा? मेरे पिताजी कहते हैं कि परीक्षा न होने के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। इसका मतलब समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यह पता है कि परीक्षा न होने के कारण बच्चों के मन में बैठा परीक्षा का डर कम होगा, खुद के गुणों की कदर होगी, खुद की पसंद छंद के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अच्छे परिणाम के साथ परीक्षा न होने के बुरे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। परीक्षा न होने के बहुत सारे अच्छे बुरे परिणाम हो सकते हैं, इस कारण परीक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन परीक्षा पद्धति में बदलाव लाकर बच्चों की पसंद और गुणों को छानने वाली परीक्षा पद्धति चाहिए। यदि परीक्षा न होती तो कौन श्रेष्ठ फिर कहलाता? सूझबूझ होती फिर किसमें, सूझबूझ होती किसमें फिर, कौन ऊंचाई को पाता। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, परीक्षा होनी चाहिए या नहीं? आप अपने खुद के भी विचार लिखिए और निबंध लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे नए नए विषयों पर निबंधों की जानकारी पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपको आज का यह निबंध पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।